टर्म वन का लास्ट चैप्टर। इसके बाद हमारे टर्म वन का सिलेबस खत्म हो जाएगा और बहुत सारे रिवीजन टेस्ट होंगे। आईईडी 3 यूनिट्स हैं। थर्ड यूनिट पूरी की पूरी टर्म टू में, यूनिट टू को स्प्लिट कर दिया उन्होंने, कुछ चैप्टर्स टर्म वन में, कुछ चैप्टर्स टर्म टू में। यूनिट वन पूरी की पूरी टर्म वन में। यूनिट वन में हमने क्या पढ़ा? 3 चैप्टर्स, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। दैट वाज यूनिट वन ऑफ आईईटी। यूनिट टू क्या है? यूनिट टू है करंट चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। करंट चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने पढ़ा पॉवर्टी, फिर हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और टर्म वन का लास्ट चैलेंज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फेस बाय द इंडियन इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ परसेंटेज इंटर रिलेटेड है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट पे क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि वहां पे पॉवर्टी का रेट कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, और वहां पे एक्सेसिव पॉवर्टी होने की वजह से पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, तो वहां पे भी फिर पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है। कह रहे रूरल एरियाज को ही डेवलप कर दिया जाए तो उनको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा जॉब्स के लिए, तो रूरल डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे देखते हैं। इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे लिव इन रूरल एरियाज, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, आगे आ जाएगा वैसे 2/3 है या 3/4 है, समवेयर अराउंड दैट फिगर ओनली, बट अ मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे लिव इन रूरल एरियाज वेयर दे डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अराउंड 22% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन इट स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। एग्रीकल्चर विद अ मैक्सिमम शेयर ऑफ रूरल इकोनॉमी has grown at a meager rate of 2.7% in the last 50 years. During 2007 to 12, agriculture output has grown at 3.2%. बहुत कम है ये ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट है ये। The share of agricultural sector to GDP was on a decline, and there has been an increase in the share of industrial and service sector. GDP तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी सेक्टर का, कुछ होता है सेकेंडरी सेक्टर का, कुछ टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, सेकेंडरी आपकी इंडस्ट्रीज, टर्शरी सर्विस। तो प्राइमरी सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन कम होती जा रही है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज बढ़ती जा रही है। हाउएवर The population dependent on agriculture did not show any significant change. Number of people still dependent on agriculture, कह रहे वो कम नहीं हो रहा, लेकिन contribution, percentage contribution by the agricultural sector वो कम हो रहा है। More than 2/3 of India's population still depends on agriculture. That is yet to become productive enough to meet all their needs. कह रहे जब इतना majority of the population is involved in agriculture, अगर वो productively काम कर रहे होते, efficiently काम कर रहे होते, तो क्या growth होता हम imagine भी नहीं कर सकते। Moreover, after the economic reforms of 1991, growth rate of agricultural sector decelerated to 3% per annum during 1991 to 2002. ये तो हमने पहले पढ़ा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए कोई ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं लाई थी। सो द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज पॉसिबल ओनली व्हेन रूरल एरियाज एंड रूरल पीपल आर डेवलप्ड, सो दैट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया कुड बी अचीव। कह रहे मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे लिव इन रूरल एरियाज, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कह रहे रूरल एरियाज को अगर प्रमोट करेंगे तो ही ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी होगी, तो ही रियल प्रोग्रेस होगा। क्या है मतलब रूरल डेवलपमेंट का?
रूरल डेवलपमेंट इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस, वन टाइम नहीं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर विद मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडिंग ऑन इट। सो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड रूरल पीपल। हाउएवर द टर्म रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बट इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। रूरल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। इट एम्स एट इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस। रूरल पीपल अकाउंट फॉर 3/4 ही बोला था मैंने आपको, मैंने कहा था कंफ्यूजन है 3/4 और 2/3 था। 2/3 ऑफ द पीपल दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, रूरल पीपल दे अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। हाउएवर दे हैव ऑलवेज लैग मच बिहाइंड द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। वो उस स्पेस पे ग्रो नहीं कर पाए, उनके इनकम लेवल्स उस स्पेस पे ग्रो नहीं कर पाए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स उस रेट पे इम्प्रूव नहीं कर पाए जिस रेट पे बाकी 1/4 ऑफ द इकोनॉमी इम्प्रूव करी। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अनडिजायरेबल ट्रेंड स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट बिगैन टू बी डिजाइंड सिंस द 70s इन एडिशन टू प्रोविजन ऑफ 5-year प्लान्स ऑफ द कंट्री। कह रहे 5-year प्लान्स तो थे ही थे, इन एडिशन टू देम और स्कीम्स और प्लान्स प्रोग्राम्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स स्कीम्स वो लॉन्च होनी शुरू हो गई। दैट वॉज इन एडिशन टू द 5-year प्लान्स। मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज ऑफ फॉर रूरल पीपल, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारे कोर्स से डिलीट हो गया है, टर्म वन के कोर्स में नहीं है। फिर भी अपने एंड पे एक बारी वेरीफाई कर लेना कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराया है कि नहीं कराया है। सिलेबस में बड़ी क्लियरली इंडिकेटेड है, क्रेडिट रूरल क्रेडिट है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, और लास्ट पार्ट लिखा हुआ है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो जो अर्लियर सिलेबस था उसमें लिखा हुआ था, नए सिलेबस में वो लिखा नहीं है, तो मतलब यही होता है कि वो डिलीट हो गया है। बट स्टिल आपने अपने एंड पे लिख के पूछना है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल डेवलपमेंट कोर्स में है कि नहीं।